नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं मधु खत्री, आप देख रहे हैं आज की खास खबर। किसान संघर्ष समिति कब्जा करा दिता। जो लोग कमेटी के मैंबर से उन्होंने बोलने नहीं दिता गया। मैनू भी उत्थे एक मिनट से 50 सैकंड का समा दिता गया और माइक से कामरेड रामचंद्र सनाल ने पूरी तौर पर कब्जा करके उन्होंने हर पासों अपना बना चाहता सी, पर आप अपना कोई मकसद इदा का नहीं है। उत्थे हर संभव प्रयास किया। कुछ साथी बहुत गर्म थे कि सानू उन्होंने छड़ देना चाहिए। असं क्या भी असं एक तोड़ना चाहते, साडे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आपसी मतभेद हो सकते हैं, पर असं इस ये लड़ाई झोना लाने की लड़ाई है ना, मेरी लड़ाई है ना उन्होंने की लड़ाई है, आप कट्ठे लड़िए। मतलब साडा प्रयास है कल असं बहुत सारे जो खेती बचाओ कमेटी थी सांझे तौर पर बनाई गई थी, जिसको प्रशासन की शह पे जो आंदोलन था उसको दिशाहीन करने का काम किया गया, और मेरा इसमें विरोध था भी इसका राजनीतिकरण ना किया जाए, और इसके चलते उन्होंने मेरे को बिना बुलाए मीटिंग में कमेटी से मेरे को बाहर क्या इसको बाहर कर दिया गया। मगर ये यहाँ की जनता फैसला करेगी भी ये इनका नेतृत्व करने वाले मतलब ये लोग कौन लोगों ने इसका को दिशाहीन किया। आज सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हर लोग इसकी उनकी आलोचना कर रहे हैं, और कामरेड रामचंद्र सनाल है जिसकी मतलब प्रशासन के साथ पूरी सेटिंग है, और इस सेटिंग के तहत इस जो भी कार्यक्रम था किसानों का उसको बदल रहे थे बार बार, जैसा प्रशासन कह रहा था वैसा कर रहे थे, और पूरे तौर पर राजनीतिक लोगों का कब्जा स्टेज पर करा दिया गया। कमेटी से आपको निकाल दिया गया, क्या मानते हो राजनीति खेली जा रही है आपके साथ? कमेटी से तो उन्होंने मतलब मेरे बगैर बुलाए बगैर मैसेज दिए निकाल दिया गया, मगर कमेटी में कौन लोग हैं अब रह गए, अब कौन पीछे बचा है? सारे लोग हमारे साथ हैं, अब सारे लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारी किसान संघर्ष समिति पहले यहाँ काम करती है, हमने धान की पराली पर बड़ी लड़ाई पहले लड़ चुके हैं, और लोग किसके साथ हैं ये आने वाला वक्त बता देगा। आप आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, किसी को मीटिंग नहीं थी, आप देखो कितनी तादाद में लोग एक मैसेज के माध्यम से आ रहे हैं, इसका मतलब लोग भी देखते हैं, लोग भी सच जान जाते हैं ना, सच को छुपाया नहीं जा सकता, सच सामने आएगा। बिल्कुल सच ये अभी इसलिए नकार रहे थे क्योंकि उनके जो पाँव नहीं लग रहे थे, वो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे, उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, मगर हम इसका क्रेडिट किसानों को देंगे जो धूप में निकल के गए हैं, ट्रैक्टर लेके गए हैं, मगर जो ये लीडर हैं जो वोट राजनीति करने वाले वोट लेने वाले उनका राजनीतिकरण का मेरा था, इसी कारण मेरे को उन्होंने बाहर निकाला। मगर आज इलाके के किसान हमारे साथ हैं, इसको लड़ाई को हम अपनी किसान संघर्ष समिति के झंडे के नीचे लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। हजारों लोग हमारे साथ हैं, हर गांव से लोग हमारे को फोन करके इस बात के लिए उन लोगों का निंदा भी कर रहे हैं, और लोग हमारे साथ स्टैंड करेंगे। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।